कल हमारे अध्यक्ष हमारे MB पाटिल साहब 10 बजे हमारे सिद्धरामैया साहब गरीबां के दाता उनके वास्ते 10 बजे सिद्धेश्वर गुड़ी से रैली कर रहे हैं। ये रैली को तमाम लोगों को बीजापुर जिले के सब लोगों को आकर विनंती कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ भी देश में नहीं मिलेंगे, पूरे इंडिया में। गरीबों को 2000 रुपए दिए, चावल दे रहे हैं और बस फ्री कर रहे हैं, करेंट फ्री कर रहे हैं, बच्चा स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इंदिरा कैंटीन कर रहे हैं। ऐसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को एक राज्यपाल नोटिस देता है, उसके वास्ते कल 10 बजे हमारे MB पाटिल साहब जिला उस्तवारी साहब और पूरे कांग्रेस के तमाम ब्लॉक अध्यक्ष अध्यक्ष संगठक अध्यक्ष सब भी मिला को MLC सब भी मिला को में रैली कर रहे हैं, सबको आकर को विनंती कर रहे ये बीजेपी वाले का है। ऐसा सब राजा के गवर्नमेंट पढ़ाते हैं उन्होंने, इसलिए आप दिल्ली के केजरीवाल को भाई हमारे गोवा के ले गए, हमारे कर्नाटक के 2018 में पढ़ाए और महाराष्ट्र की पढ़ाए, बिहार की पढ़ाए, सब ये बीजेपी वाले काम है। ये मोदी और अमित शाह ये काम करते हैं, वो सब राज्यपाल को उनके हाथ के खिलौने कर रहे हैं। बीजेपी वाले करे सो है, हमारी सरकार नहीं आती है। बीजेपी वाले हमारे सिद्धरामैया साहब का ले के एक्वायर कर रहे हैं, उन्होंने 50-50 उन्होंने दिए, हमारी सरकार नहीं आती है, हमें एक्वायर करने उन्होंने ले को उन्होंने देखो उल्टा हमारा चुनो केस करने आ रहे। ये बीजेपी वाले यज गपला करते हैं, यज करते हैं उन्होंने। कल 10 बजे सब भी सिद्धेश्वर गुड़ी से DC ऑफिस तक आने का है, बीजापुर के जिले के तमाम लोग आंदे कर को विनती कर। 15 से 20 हजार लोग जमा, सब MLA रहते हैं हमारे जिला उस्तवारी मिनिस्टर साहब रहते हैं, दोनों मिनिस्टर रहते हैं, सब भी रहते हैं। राज्यपाल को होगा, सबको असर पड़ेगा, पूरे कर्नाटक में होता है ऐसा, सब जगह होता है। पूरे राज्य में चल रहा है। कल बीजापुर शहर में हमारे इंचार्ज मिनिस्टर जिले के इनके नेतृत्व में बृहत प्रतिभटने किया जा रहा है। ये इसलिए कि आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसा कि राज्यपाल बिला वजह नोटिस दे के हमारे सिद्धरामैया साहब को केस चलाने के लिए कहे हैं। ये सब चाल बीजेपी लोगों के, बीजेपी लीडरों के है। ये इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ सिद्धरामैया को टारगेट किया जा रहा है। एक बार सिद्धरामैया को टारगेट किया, अगर या उनको तख्त से उतार दिए तो समझ लेना कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी बोल के उनको गारंटी है। इसलिए इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं सिद्धरामैया साहब को। और कल इसलिए हम सब लोग, यही नहीं हर जिले में का, पूरे कर्नाटक में हर जिले में हमारे सबसे बड़े स्ट्राइक यानी प्रतिभटनी कर रहे हैं हर जिला में, ऐसा है कि यहाँ कल कर रहे हैं। कल 10 बजे सिद्धेश्वर गुड़े से ले के फिर उधर से हमारे गांधी चौक से लेके अम्बेडकर सर्कल, बच्चों सर्कल से अम्बेडकर सर्कल, फिर उसके बाद में DC को मनवी दिया जा रहा है। अब प्रेस के माध्यम से मैं बीजापुर की पूरी आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा होकर इस प्रति बटने को कामयाब किया जाए। हाँ, 15 से 20 हजार लोग जमा होंगे इन सब। असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा सर, ये पब्लिक वांटेड CM है। ये ऐसा ही कोई इधर उधर लेके इनके MLA खरीद के वो MLA खरीद के बटाए तो CM नहीं है। जो जितना हमें मेजोरिटी चाहिए उससे ज्यादा मेजोरिटी लेके बटाए हुए CM है, इसलिए पब्लिक इनको, पब्लिक इनके पीछे खड़ी है।
कर्नाटक हर एमएलए हर एमपी और हर मिनिस्टर इनके पीछे है, इसलिए कुछ भी होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही पिछले कुमार स्वामी के ऊपर भी भ्रष्ट है और तुम्हें शशिकला जुल्ले के ऊपर भ्रष्ट है, ऐसे चार एमएलए निरानी के ऊपर है, रेड्डी के ऊपर है। यार लोकायुक्त का अभी तक लिस्ट भी नहीं गई, वो ऐसा ही रख लेके बैठे हैं। या अभी इनका इनके नाम पर कुछ है ही नहीं, इनको पता भी नहीं है। अरे उनकी बहन उनको गिफ्ट करी है, उसको क्या करने वाले ये लोग? ये जो एक मसला क्रिएट करने के लिए, क्रिएट करके कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगला कदम क्या? प्रतिबंध करेंगे, नहीं करेंगे तो जाके हम विधानसभा में और लोग जमा के पूरा जमा के वहां भी प्रतिबंध करेंगे, वो क्या होगा?